पालकी लेकर गुरु पूर्णिमा को यहाँ आते हैं। 17 वर्ष हो गए। साधारणतः महाराष्ट्र में देखा गया है कि आषाढ़ी एकादशी को सारी पालकियाँ पंढरपुर विठलेश्वर भगवान रुक्मिणी विठलेश्वर भगवान के पास जाती है और ये उल्टी गंगा बहती है जो यहाँ इधर हैदराबाद की तरफ पालकी लेके आना एक बड़ा साहस है। उनके निकलने से लेकर यहाँ के पहुँचने तक मैं हर क्षण यही विचार करता हूँ कि वो कहाँ तक पहुँचे, कहाँ आए। इसी प्रकार उसके बाद में जिन जिन लोगों ने, जैसे छत्तीसगढ़ के लोग साइकिल यात्रा पर निकलते हैं और जंगल के मार्ग से गुजरते हुए आते हैं, एक बार तो आते समय उनको शेर का सामना भी करना पड़ा। ऐसी स्थिति में भी मैं उनकी भी प्रशंसा करता हूँ कि जो साइकिल पर वहाँ से आ रहे हैं। उसके बाद जगत्याल के साधक भी साइकिल पे अपने जगत्याल से लेकर यहाँ आते हैं, वे भी प्रशंसनीय हैं क्योंकि उसमें ज़्यादातर लोग नौजवान नहीं हैं, जवान हैं। और जवान लोग साइकिल पे आना आपको पता है किस तरह होता है। उसके बाद वरंगल से चलते हुए आते हैं उन सभी लोगों के, वो सब नौजवान हैं, वो आने की उनकी भी प्रशंसा करता हूँ कि वो लोग पालकी लेकर यहाँ आए। उसके बाद जो भी लोग बस यात्रा से या वाहन में बैठकर आए हैं वो लोग भी गुरु के प्रचार प्रसारार्थ अपना कार्य करते हुए आ रहे हैं, उनकी भी प्रशंसा मैं करता हूँ। मैं उन सभी को, क्योंकि उनका धाड़स बंधवाने यानी उनको धैर्य देने कि तुम्हारे पीछे मैं गुरु खड़ा हूँ, तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी यह मैं देखता हूँ। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उसमें कामधेनु चंद्र आदि सब निकले तो उसके साथ साथ अमृत भांड भी निकला और उसके साथ उसका भाई एकाक्षी नारियल भी निकला। नारियल का मतलब तो आप जानते हैं लेकिन एकाक्षी नारियल का मतलब होता है एक आंख वाला नारियल और उसे श्रीफल कहा गया है। सभी नारियलों को श्रीफल नहीं कहा जाता, हम तोड़ के खा लेते हैं या तोड़ के देते हैं या नारियल को लेते हैं लेकिन एकाक्षी नारियल को तोड़ते नहीं। तो उस एकाक्षी नारियल को अपने आश्रम या घर में स्थापना करने से निरंतर घर में महालक्ष्मी का वास होता है, वो अपने भाइयों से मिलने आती है ऐसा कहा गया है। तो ये सब जिन्होंने सेवा संपन्न की है, जो आज इतने वर्षों से आ रहे हैं, मैं उन सभी को प्रशंसा, उनकी सभी की प्रशंसा करता हुआ निखिल चेतना केंद्र हैदराबाद की ओर से वे धनधान्य से संपन्न रहे और आज इस गुरु पूर्णिमा के दिन उनको उनके घर में कुबेर का भंडार बना रहे हैं उनके आश्रम में और उनके आश्रम के साथ साथ वहाँ रहने वाले भी सुख संपत्ति से, जैसा निखिल चेतना केंद्र हैदराबाद बढ़ रहा है वो भी बढ़े और सुसंपन्न हो। इस दृष्टिकोण को रखते हुए उन लोगों ने जो यह महत्तर कार्य किया है उनके जीवन में किसी प्रकार की कमी ना हो ये विचार करते हुए मैं वाक्सर को भी, जो उनका आश्रम है, उन्हें भी यहाँ बुला रहा हूँ। उनके साथ यहाँ हमारे पास साधनारत होने वाले, साधना में लीन रहने वाले उन लोगों को, बहुत सारे लोगों को गुरु कृपा हुई भी तो वो लोग और भी अति आशा में गए और अपने कार्य को चूक गए। ऐसे भी लोग हैं जिनके ऊपर गुरु कृपा बहुत हुई और वो अपने कार्य को दूसरी तरफ पलटा कर गए और आज एकदम अस्तित्व खोकर बैठे हुए हैं, ऐसे भी लोग यहाँ हैं। मैं उन सभी को आशीर्वाद देता हुआ कि वो गुरु कार्य करते रहें और गुरु कार्य करें। उन लोगों से मधुसूदन जी ब्राह्मण हैं, वे यहाँ आए, मैं उनको साधना का आज गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष महत्व बतलाता हूँ। मधुसूदन जी यहाँ आए,
एकाक्षी नारायण, इसको एक ही अंक होता है और इसे लक्ष्मी का भ्राता कहा गया, लक्ष्मी का भाई। यह नारियल जिसके घर में होता है उसके घर में लक्ष्मी हर महीने के द्वितीय को आकर जाती है कहते हैं, और उस घर में कुछ कमी हुई तो उस घर को पूर्ण करके जाती है, ऐसा कहा गया है। मैं इन आयोजकों को, ये जो लोग ये साधना किए हैं आज गुरु पूर्णिमा के दिन, उनको इस विशेष साधना को बता रहा हूँ। ये नारियल वे अपने आश्रम या अपने साधकों के जहाँ एक जगह मिलते हैं वहाँ इस नारियल की स्थापना करें, इसके ऊपर चांदी का वर्क लगाएं, और एक विशेष मंत्र है, उस विशेष मंत्र से उस भाई नारियल और एक नारियल जो सादा नारियल होता है, सादा नारियल होता है, इसको तोड़कर इसके नारियल के 108 टुकड़े बनाकर अगर इसकी आहुति इस नारियल के सामने दे दे, इसको चांदी का वर्क लगाकर पूजा करके दे दें, और ये नारियल सिद्ध हो जाता है, और जिसके घर में ये नारियल होता है हर द्वितीया को या पंचमी को उस घर में लक्ष्मी आकर उस घर में क्या कमी है या उस आश्रम में क्या कमी है देखकर उसे वो पूर्ण करके जाती है, ऐसा गुरुजी, मैं नहीं कह रहा हूँ, गुरुजी कह रहे हैं। और इसे सच मानो में कहा जाए तो आकस्मिक धन प्राप्ति साधना भी कहते हैं। मेरी ओर से इन पालखी में यात्रा करके आए ये लोगों को देता हूँ, और मधुसूदन से चाहता हूँ कि वो आज ही यहाँ इन सभी के हाथ से ये हवन करवाए, हो सके तो आपके सभी साधकों को हवन कुंड के पास ले जाओ। अभी ये सिर्फ एक घंटे की प्रक्रिया है, इस नारियल को तोड़ना है, नारियल के सामने नारियल के ऊपर चांदी का वर्क लगाकर गंध लगाना है, पुष्प चढ़ाना है, इस नारियल को तोड़ के उसके 108 टुकड़े करके हवन डालकर ये नारियल आपके पास ले जाना है। ये नारियल जहाँ भी स्थापित होगा वहाँ आकस्मिक धन प्राप्ति होगी, और माता हर पंचमी और द्वितीया को उनके घर या उनके आश्रम में आएगी और जो कमी है उसकी पूर्ति करेगी, ऐसा ही एकाक्षी नारियल की साधना उन लोगों को जो पालकी से आए हैं उन लोगों को मैं प्रदान कर रहा हूँ।